जो आपको संक्रमण से बचाएगा। कोरोना में हस्बैंड चला गया ना इसका? कौन? केंद्र सरकार ने दी गन्ना किसानों को बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लाभकारी मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने का निर्णय। देश ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बनाया नया कीर्तिमान। 60 करोड़ कोरोना रोधी टीके लगाए गए। 5 सितंबर तक सभी शिक्षकों को टीका लगाने का राज्यों से अनुरोध। उच्च न्यायालय ने 7वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर दायर याचिका को किया खारिज। नक्सली से बातचीत मामले में अजय कुमार को बरी। और राज्यभर में अब तक सामान्य से 4% कम हुई बारिश। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश साहिबगंज जिले के राजमहल में 102 मिलीमीटर हुई दर्ज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य है। वाणिज्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस फैसले का लाभ चीनी मिलों के 5 लाख कामगारों और उनसे जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2.90 रुपये प्रति क्विंटल और दिया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन मुंबई दौरे के क्रम में आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII से जुड़े उद्योग जगत के साथ बातचीत की। इस मौके पर केंद्रीय वित्त सचिव TV सोमनाथन, राजस्व सचिव तरुण बजाज, CII अध्यक्ष TV नरेंद्रन सहित बड़ी संख्या में उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अगेन विद CBIC through the board members being with us and also the principal chief commissioners. So the morning we had a lot of interactive communication with officials dealing with income tax and other direct tax. देश में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 37,593 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 34,169 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं।
देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,22,327 रह गए हैं। वहीं रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.67% हो गई है। झारखंड अब कोरोना मुक्त राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है और राज्य में अब सिर्फ 153 सक्रिय मामले शेष हैं। पिछले 24 घंटे में 4 जिलों में मात्र 7 नए संक्रमित मिले, जबकि 20 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 63,696 टेस्ट हुए, इनमें से सिर्फ 7 नए मरीज मिले। वहीं अब तक 3,47,755 संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 3,42,470 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 5,132 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब कोरोना रिकवरी रेट 98.48% तक जा पहुंचा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 97.60% है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि राज्यों को अगले महीने 2 करोड़ अतिरिक्त टीके दिए जा रहे हैं। उधर देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 60 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,62,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। इनमें से 1,26,901 को पहला और 35,939 को दूसरा डोज दिया गया। रांची जिले में कल 18,957 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। देवघर स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज से विधिवत ओपीडी परामर्श सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने कतारबद्ध होकर इलाज के लिए अपना पंजीयन कराया। इलाज के लिए पहुंचे लोगों का मानना है कि अब बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कोडरमा के विधायक और पूर्व मंत्री डॉ नीरा यादव ने आज सदर अस्पताल परिसर में हीमोफीलिया डे केयर वार्ड का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वार्ड के निर्माण से हीमोफीलिया के मरीजों को इलाज में सुविधा मिलेगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने 7वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कट ऑफ डेट के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कि एकल पीठ के द्वारा जो आदेश दिया गया था कट ऑफ डेट के मामले में, उसे बराकरार रखते हुए डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बराकरार रखा है, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार को विशेष अदालत ने नक्सली समर से बातचीत के मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। श्री कुमार पर 2011 में जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी दिनेशानंद गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव में नक्सलियों से मदद लेने के लिए बातचीत की थी। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अजय कुमार को बरी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बुनियादी सुविधा के अभाव में भी शिक्षक बेहतर शिक्षण देने का कार्य में जुड़े रहते हैं। तो भी
भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की झारखंड प्रदेश प्रभारी एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमला देवी पाटले ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। उन्होंने झारखंड सरकार पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। श्रीमती पाटले ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर कई प्रकार की घटनाएं हो चुकी है और राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर हो रहे निरंतर अत्याचार पर अंकुश लगाने पर पूरी तरह से विफल रही है। श्रीमती पाटले आज रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। जिनके आने से एससी के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय हो रहा है, आप सब जानते हैं कि केंद्र की सरकार एक तरह से एससी वर्ग के एससी प्री मैट्रिक छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप जो लागू किए हैं, जो पिछले समय से आज अभी 5 गुना उसको बढ़ाकर 5900 करोड़ रुपए बढ़ा दिए, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों बच्चे अच्छे से अपने शिक्षा ग्रहण करके आगे की पढ़ाई को कर सके, उसमें और कोई कई नियम बने हुए हैं जो पढ़ने के जाने के लिए जो बाहर की है, जो स्कॉलरशिप है, जो फीसें हैं। कोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को 75 नई योजनाओं की सौगात देने की घोषणा की है। श्री दुबे आज देवघर आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक वर्ष के दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र के 75 गांवों में प्रवास और रात्रि विश्राम कर लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो वहां के हैं नितिन नवीन मेरे छोटे भाई, उन सभी के प्रति हम शुक्रगुजार हैं, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि नेपाल को जो है पोर्ट से कनेक्टिविटी चाहिए थी, तो रक्सौल से जो हल्दिया पोर्ट जाएगा 700 किलोमीटर का, वो मेरी लोकसभा में वो सरैया हाट नोनी हाट होते हुए दुमका होते हुए वो क्रॉस करेगा और वो पानागढ़ जाएगा। ये 54,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये 6 लेन का प्रोजेक्ट होगा। दूसरा जो है अभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रीजनल आउटरीच ब्यूरो गुमला की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देशभक्ति गीतों का आयोजन किया गया है। पीआईबी रांची इकाई के अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह ने बताया कि आगामी 26 अगस्त को दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें झारखंड की लोक गायिका मेधा श्रीराम डाल्टन मुख्य अतिथि होंगी। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कृषि तथा पशुपालन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राज्यभर में अब तक सामान्य से 4% बारिश कम हुई है। हालांकि कई जिलों में धान की रोपनी पूरी हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त जानकारी के अनुसार चतरा में औसत से 23 मिलीमीटर तथा गुमला में 39 मिलीमीटर कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश साहिबगंज जिले के राजमहल में 102.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। किसानों को अब मौसम की जानकारी के लिए बाट नहीं जोहना पड़ेगा। किसान अब पोर्टल के माध्यम से किसानी की सभी जानकारियां घर बैठे अपने मोबाइल पर ही जान सकेंगे। केंद्र सरकार देशीय मिशन किसान प्रसार एवं सूचना विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा सभागार में जिला क्षेत्र के किसानों को सूचना का मंत्र दिया गया।
इस कार्यक्रम में रांची से गढ़वा पहुंचे सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बी के झा ने किसानों को पोर्टल से जुड़कर बेहतर किसानी के तरीके बताए। हमारा मल्टी लिंगुअल पोर्टल बहुभाषी पोर्टल है, जिसमें हम संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो और नागपुरी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में भी जानकारी साझा कर रहे हैं किसान भाइयों से। किसानों को संथाली, भोजपुरी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषा में संचालित होने वाले पोर्टल की जानकारी दी गई और इसकी खासियत के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण में पहुंचे किसानों ने कार्यक्रम को लाभकारी बताया। प्रशिक्षण में प्राप्त किए, जिससे हम लोग गढ़वा जिला के जो भी कृषक लोग और प्रशिक्षण में आए हैं, उस सबको हम लोग को बहुत ही लाभ हुआ। फसल में लग रही सब चीजों की जानकारी हमें इस केंद्र से मिल रहा है, जिससे हमें बहुत ही फायदे हो रहे हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में अब गांव-गांव के किसान जुड़ सकेंगे। कृषि से संबंधित जानकारी के लिए पोर्टल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। बिजेंद्र तिवारी, गढ़वा। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सहायता के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत आगामी 26 अगस्त से करने जा रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि ई श्रम पोर्टल की मदद से असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की पहचान हो पाएगी। कोडरमा जिले के पेट्रो जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की गई है। इस सिलसिले में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजनाथ उराव ने पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया और जलप्रपात को विकसित करने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया। जामताड़ा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभुकों को आच्छादित करने को लेकर विशेष पहल की जा रही है। जिले के पंचायतों में शिविर लगाकर लाभुकों का पंजीकरण एवं गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। जामताड़ा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत भवन में शिविर लगाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों का पंजीकरण किया गया। पंजीकृत लाभुकों को शीघ्र गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एजेंसी के प्रतिनिधि संजय पॉल ने बताया कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना से शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके को भी आच्छादित करने को लेकर मुहिम चलाया जा रहा है। नामांकन के लिए हम लोग गए थे, जिसमें करीब 150 लाभुक पहुंचे थे, जिसमें कुछ का तो गैस मिल चुका है। इसी तरह जिले के अलग अलग पंचायतों में भी शिविर लगाकर महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभुकों का पंजीयन एवं पंजीकृत लाभुकों को रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल का लाभार्थियों ने स्वागत किया। हम लोग का पहले दिक्कत हो रहा था, कोयला में जलाते थे, लकड़ी में जलाते थे, खाना बनाते बहुत दिक्कत होता था। हम मोदी सरकार से गैस सिलेंडर मिल रहा है, हमको बहुत अच्छा लगा। आयोजित शिविर में गोपालपुर पंचायत के 130 महिला लाभुकों का पंजीकरण किया गया। इस तरह के प्रयास से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फायदे से वंचित लोगों को काफी सहारा मिलेगा। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर को खोलने की मांग को लेकर समाजसेवी बाबा बलियासे के नेतृत्व में आज समाहरणालय भवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। इस मौके पर बाबा बलियासे ने कहा कि मंदिर के बंद रहने से यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। सब यहाँ पर बाबा मंदिर से ही आश्रित है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कोविड-19 का पालन करते हुए बाबा मंदिर को खोला जाए। आम श्रद्धालुओं के केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। खिलाड़ियों ने आज केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अमित खत्री, शैली सिंह ने जहां एक और सिल्वर मेडल जीता और शैली सिंह का तो मात्र 1 सेंटीमीटर से गोल्ड मेडल चूका है। ये अपने आप में दिखाता है कि जहां भारत ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, हमारे एथलीट्स ने और अच्छा करना शुरू किया, वहीं पर बाकी खिलाड़ियों ने भी, चाहे अब्दुल रजाक हो, भरत श्रीधर हो, प्रिया मोहन हो, सुमी हो, कपिल हो, इन सब ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये एक अच्छी पहल है जो दिखाता है कि भारत एथलेटिक्स में और अच्छा कर सकता है।
ओलंपिक में भाग लेने के बाद पहली बार अपने गृह जिला खूंटी पहुंचने पर महिला हॉकी टीम की डिफेंडर निकी प्रधान और सिमडेगा की सलीमा टेटे का हुआ अभूतपूर्व स्वागत। खूंटी में ढोल नगाड़ों की थाप पर आदिवासी पारंपरिक नृत्य के साथ झारखंड की हॉकी खिलाड़ी निकी प्रधान और सलीमा टेटे का जोरदार स्वागत किया गया। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने दोनों बेटियों को आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरक बताया और कहा कि खेल के क्षेत्र में गरीबी के बावजूद हमारे इलाके में खेल प्रतिभाओं को निखारा जा सकता है। इंस्पिरेशनल मूवमेंट क्रिएट किया है, गौरवमय क्षण क्रिएट किया है हमारे राज्य के लिए, एक अपने आप में अद्भुत प्रेरणा का सोर्स है। आप लोगों का पुनः खूंटी जिला में बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों की प्रेरणा से, आप लोगों की परफॉर्मेंस से, जो जितना क्रिकेट साहब ने कहा, ये नई इंस्पिरेशन है पूरे नई जनरेशन के लिए। निकी प्रधान और सलीमा टेटे दोनों खिलाड़ी खूंटी में पारंपरिक देशी अंदाज में स्वागत होने से अभिभूत नजर आए। कार्यक्रम के बाद दोनों बेटियों ने स्थानीय पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। पर सर को लगता था कि शायद मैं खेल सकती हूँ, सर को मेरे ऊपर पता नहीं क्या दिखा था, मुझे भी नहीं पता, शायद मेरा फुटबॉल का अच्छा लगता था या मेरा रनिंग, तो इसके वजह से सर हमेशा मेरे को फोर्स करते थे हॉकी खेलने के लिए। लोग अपना सब काम धाम छोड़ के यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट किए, हम लोग के लिए आए, तो काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही। जुलूस की शक्ल में खूंटी के हॉकी संघ, क्रिकेट संघ, फुटबॉल संघ, बिरसा मुंडा खेल संघ समेत जिले के विभिन्न गैर राजनीतिक संगठनों, बिरसा कॉलेज और डे बोर्डिंग हॉकी खिलाड़ियों ने झारखंड की दोनों बेटियों का खूब मान सम्मान किया। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने भी निकी और सलीमा को सम्मानित किया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। खूंटी के बाद सिमडेगा पहुंचने पर भी सलीमा टेटे और निकी प्रधान का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान हॉकी सिमडेगा और प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा सलीमा और निकी को सम्मानित भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर अपने घर लौटी सलीमा टेटे और निकी प्रधान का खेल प्रेमियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत सलीमा टेटे ने कहा कि हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारियों और कोच से भरपूर मोटिवेशन मिलने के कारण वे आगे बढ़ सकी। निकी प्रधान ने कहा कि वर्तमान खिलाड़ियों में काफी ऊर्जा है और इस दम पर वे भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने उपायुक्त से सिमडेगा में राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट का भी आयोजन कराने की बात कही ताकि वे भी भाग ले सकें। कोच मनोज कोन बेगी ने कहा कि सिमडेगा के लिए ये क्षण है। उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने सिमडेगा जिले का मान बढ़ाया है। ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के बाद हमारी दो दो बेटियां सलीमा टेटे और निकी प्रधान आज हमारी हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में आ रही है। आज हम काफी खुश और गदगद हैं। ओलंपियन को लोग पहले देख नहीं पाते थे, आप आज के सामने हम लोग देख रहे हैं। उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम ने भारतीय महिला हॉकी को नई पहचान दिलाई है। टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, अनुशासन और समर्पण का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। और जितने बोरिंग तरीके से आप डिसिप्लिन रहिएगा उतने आगे जाइएगा। कोई ब्रेक डे नहीं होता इसमें, कोई फ्री डे नहीं होता, हर रोज उतने ही डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली उतने ही समय पर आपको उठना है, वही चीज करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर वो करना है, फिर सोना है। गांव की दूसरी हॉकी खिलाड़ी भी सलीमा और निक्की प्रधान जैसे खिलाड़ी बनना चाहती है। मैं निक्की दीदी और सलीमा दीदी के जैसे ओलंपिक खेल के बनना चाहती हूँ। झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं और हॉकी में राज्य ने इसे एक बार फिर से साबित कर दिया है। सुविधा और मार्गदर्शन मिले तो उसमें कोई शक नहीं कि झारखंड के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को नई पहचान दिलाएंगे। कुमार सिन्हा, सिमडेगा। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देश दिया। उपायुक्त ने एक मामले में खनन पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को स्थल निरीक्षण कर जांच करने का निर्देश दिया।
रांची स्थित डीएवी कपिलदेव विद्यालय में पिछले 21 अगस्त से चल रहे संस्कृत महोत्सव का आज समापन हुआ। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य एमके सिन्हा ने कहा कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है और इसका संरक्षण करना सभी लोगों की जिम्मेवारी है। देवघर के जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार रजक ने कई वाहनों की जांच की और अवैध रूप से चल रहे वाहनों से जुर्माने की राशि वसूली। का चेकिंग अभियान चलाया गया था जसीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत टावाघाट में, और उस दरमियान जो है हम लोगों ने 8 गाड़ियां को, जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाया जाएगा ताकि जरूरतमंद लोगों को जिला मुख्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े। इस सिलसिले में उन्होंने परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संथाली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संथाली समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। और शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खोबोर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार समय शाम 5 बजे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए विशेष आइकॉनिक सप्ताह का आज तीसरा दिन है। दूरदर्शन और आकाशवाणी की ओर से आज भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी पर सुन सकते हैं विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ दोपहर, आज दोपहर 2:50 पर, और साथ ही साथ रात 8:20 पर। आप इस जो ग्राफिक्स है उसके जरिए आप देख सकते हैं कौन कौन से कार्यक्रम कहां कहां आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ परिक्रमा कार्यक्रम जो कि आकाशवाणी पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने दी गन्ना किसानों को बड़ी सौगात, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लाभकारी मूल्य 290 रूपये प्रति क्विंटल की जाने का निर्णय। देश ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बनाया नया कीर्तिमान, 60 करोड़ कोरोना रोधी टीके लगाए गए, 5 सितंबर तक सभी शिक्षकों को टीका लगाने का राज्यों से अनुरोध। उच्च न्यायालय ने 7वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर दायर याचिका को किया खारिज, नक्सली से बातचीत मामले में अजय कुमार को बरी। और राज्यभर में अब तक सामान्य से 4% कम हुई बारिश, पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश साहेबगंज जिले के राजमहल में 102 मिलीमीटर हुई दर्ज। बदलू